हाय गाइस, सबसे ज्यादा किस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल मैं शुरू में बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ZXI CNG मॉडल। काफी लंबा नाम हो गया है। वैसे हाँ, पूरी वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन मिलती है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है पूरी गाड़ी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। CNG में वैसे तो माइलेज भी बता दूंगा। अभी फिलहाल स्टार्ट कर दे, नॉर्मल वॉल लाइट्स मिल जाती है, हैलोजन हाई बीम रो बीम अलग से रिफ्लेक्टर टाइप, इसके नीचे एक साइड यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, क्रोम की थोड़ी बहुत गार्निश दे रही है, फॉग लैंप्स उसी में हैलोजन में मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में बिल्डिंग मिल जाती है, ग्रिल के चारों तरफ क्रोम, सुजुकी का लोगो, ब्लैक कलर में ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे इसका फ्रंट टोइंग मिलता है। अब बार आते हैं इसके डायमेंशन की, जो लेंथ गाड़ी की मिलती है वो 3995 mm की, विड्थ 1735, हाइट 1515, व्हील बेस जो मिलता है गाड़ी का 2450, एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 160 mm का ही है। ORVM पे इंडिकेटर देखने को मिलता है, बाकी अलॉय व्हील मिल जाते हैं गाड़ी में, जो इसका साइज है 185/60R14, सामने एक साइड डिस्क ब्रेक मिलते हैं लेकिन पीछे एक साइड ड्रम ब्रेक मिलते हैं, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो कुछ भी हो। इसके एक्सशोरूम प्राइस जाती है 9,07,000, सब कुछ मिला जो ऑनरोड प्राइस जाती है वो 10,36,000। ऊपर एक साइड सिंपल सा एंटीना मिलता है, यहाँ पे इसका हाई स्टॉप लैंप जो कि लोअर साइड पे है, बाकी टेल लाइट्स इसकी LED मिल जाती है, इंडिकेटर रिवर्स लाइट, यहाँ पे भी आपको ब्लैक बिल्डिंग दे रखी है, बाकी चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एंड पूरी गाड़ी वैसे ब्लैक बिल्डिंग कर रखी है ताकि एक्सेसरी लगाई है मतलब कंपनी ने डिजायर की बैजिंग, ये आपको पूरी पूरी क्रोम में स्ट्रिप मिल जाती है सुजुकी के लोगों। फ्रंट एंड रियर दोनों साइड CNG स्टिकरिंग देखने मिल जाती है, यहाँ से आप अपनी CNG फिल करवा सकते हो, एंड दोनों ही लेफ्ट साइड आपको मिल जाती है फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी है 55 लीटर्स, बाकी ऐसी कुछ इसकी साइड लुक थी, बाहर से पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी इसमें डिफोगर भी मिल जाता है जो कि मैं दिखाना भूल गया था। इसमें सेडान्स में कोई सी गाड़ी देख लो वाइपर तो देखने मिलते हैं, रिवर्स सेंसर गाड़ी में देखने मिल जाता है, आपको वही वाली की मिलती है जो सुजुकी ऐसे देती आ रही है, डोर ट्रिम की बात है, बीच और ब्लैक कलर में अलग सा ही मिलता है, सॉफ्ट टच मिल जाता है यहाँ पे, एंड इसके नीचे साइड मैगजीन होल्डर बोतल होल्डर, यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाती है लेकिन एक ऑटो अप डाउन है, अनलॉक लॉक, ORVM आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, आपको क्रोम में मिलता है डोर ओपनर, बाकी सीट्स की बारी आए तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइनर दोनों मिल जाती है, यहाँ से अपने बूट ओपन कर सकते हो एंड फ्यूल लिड यहाँ से ओपन कर सकते हो, आगे पीछे स्लाइड करनी है तो यहाँ से कर लो, ये हुड ओपनर हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ से अपने पेट्रोल टू CNG एंड CNG टू पेट्रोल कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अब तो फिलहाल अंदर बैठते हैं, एंड इसका स्विफ्ट वाले स्टीयरिंग मिलता है, जैसे स्विफ्ट डिजायर था स्विफ्ट नाम ही आ जाता है इसमें, वही इसकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है, बाहर से तो गाड़ी बहुत दिखा ली है, अब आप इंटीरियर के मजे लो, बाकी फ्लैट बॉटम इसमें स्टीयरिंग मिल जाता है, यहाँ पे आप देखो वुडन की थोड़ी बहुत गार्निश दे रखी है, यहाँ पे नीचे साइड फ्लैट बॉटम पूरा है, बाकी इसमें स्टीरियो कंट्रोल भी मिल जाता है, हॉर्न बिल्कुल बीच में मिलता है, यहाँ पे आप अपना म्यूट व्यूट करना है तो वो कर लो, इन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, अगर आप डोर ओपन या क्लोज करोगे तो लाइट ऐसे ऑन ऑफ होती है, बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एंड MID पूरी ऐसे मिलती है, एनालॉग कोई डिजिटल नहीं आता, वो स्विफ्ट वाली थोड़ी बहुत मैच कर देती है, बस बीच में आपको जो डिजिटल मिलेगा, राइट साइड इंडिकेटर एंड लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल, स्क्रीन अपनी सुजुकी वही वाले देती आ रही है जो सब गाड़ियों में देती है, ऐसे साइड्स में यहाँ पे बटन मिल जाते हैं, बीच में वो मिल जाते हैं अपने टच स्क्रीन, एसी वेंट्स के चारों तरफ सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे हजार्ड लाइट, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है पूरी गाड़ी में, नीचे एक साइड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से अपना ऑटो कर सकते हो, यहाँ नीचे एक साइड 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, एंड एक USB भी मिल जाती है, उसके नीचे थोड़ी स्पेस दे रही है, अपना फोन रख सकते हो, बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, गियर भी अपना शाइनी से मिल जाता है, उसके चारों तरफ सिल्वर फिनिश दे रही है, यहाँ पे थोड़े लेदर की फिनिश दे रही है, ऊपर एक साइड शाइनी सा है, हैंड ब्रेक बीच कलर में मिल जाता है, एंड आगे एक साइड उसमें क्रोम भी मिल जाता है, मतलब अच्छा सा है, उसी के पीछे यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। अब बारी आती है तो सनवाइजर की, ड्राइवर साइड सनवाइजर में सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिलती है, IRVM अपना ऑटोमेटिक नहीं मिलता, मैनुअली मिलता है डे नाइट वाला, ऊपर की साइड यहाँ पे लाइट मिल जाती है, हैलोजन ही मिलती है मतलब येलो कलर की, पैसेंजर साइड वाले सनवाइजर में एक मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट, ग्रैब हैंडल स्प्रिंग वाले मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड तो मिलता ही नहीं है, वो नहीं पता क्यों नहीं मिलता, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको पता हो तो, लेदर के इसमें सीट कवर मिल जाते हैं, कंपनी से ही मिलते हैं, एंड यहाँ पे डोर ट्रिम पे देखो पता नहीं ग्रे कलर टाइप की थोड़ी सी फिनिश दे रही है, चारों डोर पे मतलब सब जगह आपको देखने मिल जाएगी, इसको ऐसे जज नहीं कर सकते, थोड़ी ग्रेश टाइप की है, और सेडान को लोग पसंद क्यों करते हैं, देखो इसमें एक तो लेग रूम अच्छा मिल जाता है, एंड एक बूट स्पेस, बूट स्पेस मतलब आप CNG किट रखिए ना उसके बाद भी अच्छा सा मिल जाता है 378 लीटर्स का, डोर ट्रिम अपना सिंपल सा मिलता है, 4 स्पीकर सेटअप मिल जाते हैं इसमें। अब मेन बार याद है पीछे के लेग रूम की, मैंने अगली सीट तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी थी, फ्रंट कंफर्ट भी ठीक ठाक था, चारों इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे साइड में 2 AC vents मिल जाते हैं, देखो मतलब दोनों को एक साथ ही अप डाउन कर सकते हो, ऐसे अलग अलग नहीं आते, 12 वोल्ट का सॉकेट वो मैंने आपको दिखाई दिया था, जूम करके और दिखा देता हूँ, एंड इसके नीचे ना यहाँ पे थोड़ी सी और स्पेस दे रखी है, मान लो फोन चार्जिंग पे लगा के अपना फोन यहाँ पे रख सकते हो, लेग रूम अच्छा खासा से मिल जाता है, थाई स्पोर्ट भी ठीक है, अपने आराम से जर्नी कर सकते हो, लेग रूम नीचे एक साइड अपना थाई स्पोर्ट मतलब सब कुछ बेस्ट है, सेडान लोग बाग इसीलिए तो लेते हैं कंफर्ट के लिए, सब कुछ बढ़िया है, ऊपर की साइड एक बॉय वाली येलो लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल पीछे स्प्रिंग वाले देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे डोर ओपनर पे भी क्रोम
की बिल्डिंग दे रखी है, मतलब थोड़ी थोड़ी फिनिश अच्छी मिल जाएगी गाड़ी में। डुअल टोन बीच एंड ब्लैक का अच्छा मिल जाएगा, आर्म रेस्ट मिल जाएगा गाड़ी में, विद 2 कप होल्डर, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ दिखा दे। बस में दो मेन चीज रहेगी, आप अपनी बूट स्पेस यहाँ से तो ओपन कर सकते हो, लेकिन आपकी की में भी एक बटन मिल जाता है अपना, उसको होल्ड करके रखो एंड बूट पीछे की रिलीज हो जाएगी। और एंड तीसरा एक और इसमें फीचर मिल जाता है, यहाँ से अपना ऊपर कर लो एंड बूट अपने आप ओपन हो जाएगी, पूरी ऊपर तक आ जाती है, वैसे मतलब बिल्कुल ऊपर तक नहीं आती, थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। यहाँ पे इसका सीएनजी टैंक देखने को मिल जाता है। बाकी ये आप बूट देखो थोड़ी ऑरेंज टाइप में है, यहाँ पे सीएनजी का टैंक देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी 55 लीटर वाटर कैपेसिटी है। अब इसका एक फायदा है, देखो बूट स्पेस अपना लगेज आराम से रख सकते हो एंड इसमें सीएनजी किट भी रख रखी है, अपना 3-4 बैग आ जाएंगे आपके लगेज आराम से। मारुति का सब कुछ बढ़िया है, इसकी कंपनी माइलेज भी 31 की क्लेम करती है, बाकी इसका सब कुछ बढ़िया, लेकिन एक बिल्ड क्वालिटी है जो कि बेकार है। आप मान लो बिल्ड क्वालिटी कंपनी बढ़ा देगी, एक चीज है इसकी माइलेज गिर जाएगी, शायद इसलिए कंपनी इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं बढ़ा रही होगी। कि अब फाइनल एक चीज रही है जो है इसका हुड, मैंने आपको उसका स्विच दिखाया था, अपने यहाँ से ऐसे पुल कर लो एंड आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। अब बार याद है इसके इंजन स्पेक्स की, 1200 cc का इसमें इंजन मिलता था 4 सिलेंडर के साथ डुअल जेट, जो कि निकालता 76 bhp विद 98 Nm टॉर्क। बाकी सीएनजी में इसकी जो माइलेज क्लेम करती है कंपनी 31 की करती है। इसी के साथ पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।